Hey guys, what's up? Welcome back to Rather Need to guys. आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप के ड्रैगन कॉन्सेप्ट वाली फोटो एडिटिंग। तो गाइज ये देखिए हमारी फोटो कितनी ज्यादा क्रिएटिव एंड ऑसम है। और गाइज हमेशा की तरह इसके बैकग्राउंड और पीएनजी के लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर आराम से एकदम डाउनलोड कर सकते हो। और गाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक इंस्टा आईडी की, वहां से जाकर मुझे फॉलो कर लो यार, वहां मैं पोस्ट डालते रहता हूं। तो गाइज अगर ये मेरे चैनल पे है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। एंड यार वीडियो लाइक करना तो यार बिल्कुल नहीं भूलना। तो गाइज चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपने इस वाले बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। और गाइस इस बैकग्राउंड को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो गाइस इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना और कुछ नहीं। और यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, ऐड फोटो पे जाते हैं। और यहाँ पर गाइस आपको मिलेगा एक मून का पीएनजी, सिंपली उसको ऐड करना है। और देखिए जो हमारा व्हाइट मून है उसके ऊपर इसको लगा देना है और सिंपली इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है। और फिर गाइस साइज एकदम मेंटेन कर लेना, बराबर रखना है। तो यहाँ पर हम इसके बाद से इसको रखने के बाद से सिंपली इसको डन कर देंगे। और डन करने के बाद से क्या करते हैं गाइस, हम सिंपली इसको ड्रॉ टूल में लेके जाते हैं। तो यहाँ गाइस हम अपने ड्रॉ टूल में आ गए हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, सिंपली ऐड फोटो पे चले जाएंगे। और यहाँ से गाइस आपने अपने मॉडल के फोटो को ऐड कर लेना है कटआउट को, ठीक है, अगर आपने कटआउट कर रखा है तो। अगर नहीं किया है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को जाके देख के सीख लो, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हम अपने मॉडल ऐड करने के बाद से क्या करेंगे, जो हमारा ये पत्थर है उसके ऊपर हम इसको एडजस्ट कर देंगे अच्छे से। आपने एकदम इसको फिट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस हम इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमारा देखिए एकदम परफेक्टली सेट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से इसको डन कर देंगे। और यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बनाते हैं और सिंपली गाइस इसमें शैडो बनाएंगे। तो शैडो के लिए गाइस मैं फुल प्रोसेस इस बार बता रहा हूँ, आपको एकदम आराम से समझ में आ जाए। उसके लिए गाइस आपने सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करना है और उसमें साइज अपने हिसाब से रखना, ओपेसिटी माइनस कर देना थोड़ा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए आपने पूरा यहाँ पर पेंट कर लेना है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस हम इसको पेंट कर लेते हैं। और गाइस जहाँ जहाँ आपका शैडो आएगा उधर आपने इसको पेंट कर लेना है। तो देखिए गाइस हमारा इस साइड भी शैडो आएगा तो हम इधर भी कर लेंगे और थोड़ा यहाँ शूज के नीचे भी थोड़ा सा कर लेते हैं और फिर इधर साइड भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मेरा मोबाइल थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। और इतना करने के बाद से आपने सिंपली इरेजर में चले जाना है, इसमें हार्ड इरेजर सेलेक्ट करना है। और फिर क्या करना है, आपने इसकी हार्डनेस को एकदम 1% रख लेना है, ठीक है। और ओपेसिटी आपने इस बार अभी फुल रखनी है पहले। और उसके बाद से आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इरेज कर देना है एकदम ब्रश छोटा करके। और फिर क्या करना है, अब यहाँ पर हमें ब्रश छोटा करना है, ओपेसिटी कम करनी है, 20% रखनी है। और गाइस फिर हमें इरेज करना है, ठीक है। तो हम कुछ इस टाइप से इसको इरेज करेंगे और ओपेसिटी अब इस बार थोड़ा सा और कम कर देते हैं हम। और फिर गाइस यहाँ पर हम इरेज करके इसको इसको अच्छे से हम मैच करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा अंदर वाला एरिया है वो थोड़ा बहुत हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। और बाकी अब बाहर वाले एरिया को भी हम करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे के साइड में आते हैं और इसको भी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ी सी ओपेसिटी इंक्रीज करेंगे और गाइस हम फिर से इरेज करेंगे इसको, ठीक है। तो आपका कुछ इस टाइप का हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर हम इसको बैक कर लेते हैं। और उसके बाद से देखिए गाइस जो हमारा इस साइड का है इसको भी हम सिंपली वैसे ही करेंगे, साइड साइड से हल्का हल्का करके इरेज करेंगे। और इरेज करने के बाद से आपने सिंपली ओपेसिटी कम करनी है और फिर एकदम हल्के हल्के फिर से इरेज कर देना है उसमें। और गाइस अगर आपको इससे भी समझ नहीं आया तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो की, उसको आराम से देख लेना, एकदम अच्छे से सीख लेना। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। और उसके बाद से क्या करते हैं गाइस, हम अपने ड्रॉ टूल से गाइस अपनी फोटो को हम डिस्कार्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डन करेंगे। और यहाँ पर डिस्कार्ड करने के बाद हम सिंपली ऐड फोटो पर चले जाएंगे। और यहाँ पर गाइस आपको एक ड्रैगन की पीएनजी मिलेगी, ठीक है। तो इस पीएनजी को आपने ऐड करना है कुछ इस टाइप से और इसे आप अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस हम इसको सेट कर लेते हैं। देखिए गाइस हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम सिंपली इसको इरेजर पे लेके जाएंगे और इसका जो विंग वाला एरिया है जो हमारे बॉडी पर आ रहा है उसको हम इरेज कर देंगे सिंपली कुछ इस टाइप से। और आपने ऐसे सेट कर लेना है, ठीक है। तो आपने भी सेम ऐसे ही कर लेना है। उसके बाद से गाइस यहाँ पर देखिए जो हमारा ड्रैगन है उसमें थोड़े थोड़े एजेस रह गए हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें हार्डनेस फुल करेंगे, साइज को थोड़ा छोटा करेंगे और बाकी इनको भी आपने इरेज कर लेना है। बस नीचे के साइड में थोड़ा सा आपको मिल जाएंगे।
उसके बाद से आपने सिंपली इसको डन कर देना है। और गाइस डन करने के बाद से आपने सिंपली ऐड फोटो पे चले जाना है और यहाँ पे एक और पीएनजी मिल जाएगी ड्रैगन वाली, तो आपने सिंपली उसको भी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको ऐड करते हैं और इसको ऐड करने के बाद से सिंपली फुल बैकग्राउंड पे करना है और फिर गाइस थोड़ा सा इसको छोटा कर लेना है और फिर इधर इसको लेफ्ट साइड में ही रखना है, ठीक है। तो ये ब्लर है हमारी पीएनजी। उसके बाद से सिंपली गाइस इसको डन कर देना है यहाँ से और उसके बाद से ड्रॉ टूल में जाना है गाइस, फोटो करना है सेव और चलना है लाइटरूम में। तो गाइस यहाँ पर आ गए अपने लाइटरूम में और यहाँ पर लाइटरूम में आने के बाद से हमें क्या करना है, सिंपली हमें लाइट्स के ऊपर चले जाना है और यहाँ पर देखिए गाइस आपको ऊपर कर्व टूल का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें चले जाना है और यहाँ पर गाइस जो आपका फर्स्ट कलर है वाइट उस पर जाना है और फिर गाइस इसे नीचे की साइड से थोड़ा सा ऊपर करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा सेकंड कॉलम दिख रहा है वहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा नीचे की साइड चलाना है। कुछ इस टाइप से आपने इसको चलाना सीखना होगा भैया, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इस टाइप से इसको कर लेंगे, मतलब फ़ोटो में आपकी थोड़ी सी डार्कनेस आनी चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। और गाइस इतना करने के बाद से सिंपली डन करेंगे और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। पहले गाइस हम कंट्रास्ट को माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको माइनस के 26 रख लेते हैं और फिर गाइस हाईलाइट्स को माइनस के 30 के आसपास रखेंगे और फिर गाइस हम एक्सपोजर को इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे, इसको हम रख लेते हैं 15% के आसपास। और फिर गाइस आपने शैडो को भी इंक्रीज कर देना है अबाउट 30%, फिर वाइटीज को भी गाइस सेम और यहाँ पर ब्लैक्स को आपने अबाउट रखना है माइनस के 38, ठीक। तो यहाँ पर गाइस हम इसको रख लेते हैं और उसके बाद से गाइस सिंपली आपने कलर वाले टूल पे चले जाना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर हम दूसरे वाले टूल पे आ गए हैं, तो हम सिंपली जाते हैं कलर वाले पे और यहाँ पर गाइस हमें टेम्प इसमें इंक्रीज कर देना है 20% और गाइस सिंपली टिंट को भी 20 रख लेना है और गाइस फिर वाइब्रेंस को भी 20, सिम तीनों को 20-20 करके रख लेना है। और यहाँ पर गाइस जो आपका सेचुरेशन है इसको आपने माइनस कर देना है, तो इसको हम रख देते हैं, इसको भी माइनस के हम 20 के रख लेंगे, 20-25 या 30, तो यहाँ पर इसको हम 30 रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद से सिंपली गाइस हम मिक्स वाले टूल पर जाते हैं और यहाँ पर जो गाइस आपका फर्स्ट कलर है उसके ह्यू को आपने फुल माइनस कर देना है, क्योंकि गाइस जो हमारा ड्रैगन का कलर है वही कलर है, तो हमें इसको येलो कलर में करना है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। और फिर गाइस आप सेचुरेशन देख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इतना करने के बाद सिंपली हम आते हैं ऑरेंज कलर में, यहाँ पर गाइस थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि गाइस हमें फेस में थोड़ा लाइट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम जाते हैं आप ग्रीन कलर और यहाँ पर इसके यू को हम गाइस फुल माइनस कर देते हैं और फिर उसके बाद से येलो कलर पर आएंगे और उसके यू को गाइस हम 50% तक माइनस करेंगे क्योंकि ज़्यादा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। और इतना माइनस करने के बाद से गाइज बाकी कलर्स आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इतना करने के बाद से हम सिंपली गाइज फोटो को डन कर देंगे और डन करने के बाद से सिंपली गाइज नेक्स्ट वाले टूल पर चले जाएंगे। यहाँ पर गाइज हम टेक्सचर को इंक्रीज कर देते हैं 26 और गाइज यहाँ पर जो हमारा क्लियरिटी है इसको रख देंगे 12%, फिर यहाँ पर डीएस को भी हम अबाउट 10% इंक्रीज कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर गाइज जो हमारा विग्नेट है इसको रख लेंगे माइनस के 15-16 तक रखना है ना आपने इसको। और फिर उसके बाद सिंपली नेक्स्ट वाले टूल पर आपने चले जाना है, यहाँ पर गाइस शार्पनिंग है इसको इंक्रीज कर देना है 26 और नॉइस रिडक्शन आपने रखना है 13%। तो वही देखिए हमारी फोटो फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है, बट गाइस थोड़ा सा नीचे डार्कनेस कम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं सिलेक्टिव टूल में और यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन आपने चूज करना है और यहाँ पर नीचे की तरफ से स्लाइड करके लाना है। तो आपने इसमें हल्की सी डार्कनेस देनी है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें स्ट्रेच कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम एक्सपोजर को माइनस करेंगे, ठीक है। तो कुछ स्टेप से हम इतना माइनस रखेंगे और सिंपली गाइस उसके बाद से यहाँ से फोटो को डन कर देंगे। तो गाइस देखिए हमारी हो गई ये फोटो फुल्ली कंप्लीट बिफोर एंड आफ्टर, आप देख सकते हो। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।